को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। एक सर्वदलीय बैठक आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई है। इसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, सभी पार्टी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। भाजपा, शिवसेना, मनसे, कांग्रेस, एनसीपी, वंचित बहुजन अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी, आम आदमी पार्टी, ऐसे सभी दलों के लोग मौजूद रहेंगे और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चर्चा करेंगे। बैठक में राज्य के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से अब तक कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी राज्य में लाउडस्पीकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर विवाद को खत्म करने के लिए राज्य के सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन बैठक में मनसे प्रमुख राज ठाकरे उपस्थित नहीं रहेंगे, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो बैठक का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का विवाद खड़ा किया था। उन्होंने ही मांग की थी कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाए, अन्यथा मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो इसको लेकर 3 मई तक का राज ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दिया है महाराष्ट्र सरकार को। इसी अल्टीमेटम को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन मनसे 1 तारीख की औरंगाबाद सभा की तैयारी में जुटी हुई है। 1 तारीख को मनसे प्रमुख राज ठाकरे की सभा औरंगाबाद में होने वाली है और ये भी एक ऐतिहासिक सभा होगी, ऐसा मनसे की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें महाराष्ट्र की सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद इस बैठक का नेतृत्व करेंगे और लाउडस्पीकर विवाद को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बैठक में नहीं जाएंगे, क्योंकि मनसे की साफ मांग है कि लाउडस्पीकर मस्जिदों से उतारे जाए और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बैठक में नहीं जाएंगे तो इस बैठक का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ही मुंबई में गुड़ी पड़वा के दिन शिवाजी पार्क से मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का मुद्दा उठाया था। उनका साफ कहना था कि मैं धर्म अभिमानी हूँ, धर्मांत नहीं हूँ, और ये मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का मुद्दा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। 5-5 बार 365 दिन मस्जिदों से लाउडस्पीकर के माध्यम से अजान पढ़ी जाती है, जिसके कारण आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, खास करके बुजुर्ग और विद्यार्थियों को आवास और ध्वनि प्रदूषण के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद उन्होंने थाने में एक जनसभा ली थी और थाने जनसभा में राज ठाकरे ने 3 मई तक का यानी ईद तक का महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आप मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारेंगे तो प्रदेश के सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और ऐसा कल मनसे के पालगढ़ थाने अध्यक्ष अविनाश जाधव ने भी साफ कहा है कि जो राज साहब का आदेश है उसका पालन किया जाएगा और सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लाउडस्पीकर विवाद को समाप्त करना चाहती है और टकराव की स्थिति ना हो 3 मई के बाद, इसी वजह से बैठक कर चर्चा कर इस विवाद को खत्म करना चाहती है। इसके लिए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मस्जिदों के लाउडस्पीकर और सभी धर्मों पर लगने वाले लाउडस्पीकर और नॉइस पॉल्यूशन को लेकर कोई नए गाइडलाइन जारी हो सकते हैं। लेकिन जानकारी मिल रही है कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद ही इस बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे। हालांकि ये खबर पक्की नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे तो ये बैठक का अर्थ क्या निकलेगा। वहीं दूसरी तरफ रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर मनसे 3 मई को मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करेगी तो वो 3 मई को अपने कार्यकर्ताओं से विनती करते हैं कि सभी मस्जिदों के सामने, जगह जगह मस्जिदों के सामने उनकी कार्यकर्ता लाउडस्पीकरों के रक्षा करें। तो एक तरफ मनसे है तो दूसरी तरफ रामदास अठावले की आरपीआ है, तो आने वाले दिनों में दोनों पार्टियां आमने सामने हो सकती है, क्योंकि रामदास अठावले एक तरीके से राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो उनके अभियान में खलल डाल रहे हैं। तो दोनों पार्टियों के बीच आने वाले दिनों में संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि रामदास अठावले ने साफ अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि
3 मई को आप सभी को जगह जगह मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करनी है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर विवाद को हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में खुद मंत्री प्रमुख राज ठाकरे उपस्थित नहीं रहेंगे, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि इस बैठक में RPIA, शिवसेना, BJP सब पूरे महाराष्ट्र की जितनी पार्टियां है, वंचित बहुजन अघाड़ी, बहुजन विकास अघाड़ी, रामदास अठौली की पार्टी, RPIA, आम आदमी पार्टी, सभी दलों का डेलीगेशन रहेगा, लेकिन खुद मनसे प्रमुख राज ठाकरे इस बैठक में उपस्थित नहीं रहेंगे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करों को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।